क्या चल रहा, काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम चल रहा है, चल रहा है अच्छा, से नहीं चल रहा। सही नहीं चल रहा है? नहीं, ओला ओला वाला कोई ओला मनी की वजह से या क्या, किसके रीजन है? काम भी नहीं है, ओला मनी की प्रॉब्लम ही है। ओला मनी भी अच्छा पैसा नहीं दे रहा। हे हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो निकल चुके हम घर से चले ऑफिस की तरफ। तो पहले हम पकड़ेंगे मेट्रो देन उतर के हुड्डा पे, वहाँ जाएंगे ऑफिस। तो थोड़ा वॉक करते करते अलग ही मज़ा आता है कि आराम से थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाता है कि वॉक करते हुए चले जाओ आराम से। इसे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है, दूसरा आपकी फिटनेस बनी रहती है। तो टू इन वन दो फायदे हैं। तो वॉक कभी भी कर लेना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। बाकी हम पहुंच ही जाएंगे थोड़ा जल्दी। भाई कल भी वो दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि ऑफिस से जाओ फिर चांदनी चौक देन करोल बाग, और पैरों की तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि बता नहीं सकता मैं आपको। थकान के मारे भाई वैसे ही जाकर सो गया। एडिटिंग वीडिंग जहाँ सुबह ही किया मैंने, तो टाइम इतना मिल नहीं पाता, फिर रात को खा पी गया। इतनी तगड़ी वाली नींद आती है बता नहीं सकता आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा अब ट्राई करूँगा थोड़ा जल्दी आने का, घर जल्दी पहुँच जाओ कहीं भी शॉपिंग करने जाओ। हमारी आज की कैब, हम जाने वाले मानेसर। भैया एक मिनट, 9628। तो रामविलास भाई हमारे साथ हैं, ये जो कैब चला के लेके जा रहे हैं। अभी हम पहुँचेंगे मानेसर सेक्टर 3 के पास, जो हमारा एक प्लांट है, वहाँ पर एक यूनिट है। मेरे तो हम बरहमपुर के नियर बाई है, तो यहाँ पर भी एक प्लांट है हमारा, जहाँ पहले सेटिंग होती थी हमारी। फ़िलहाल तो हम अभी कॉर्पोरेट में सारे बैठ रहे हैं, तो ये भी हमारा पुराना अड्डा है, तो बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं इनसे। फिर और भैया आप बताइए कुछ, क्या चल रहा है, काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम चल रहा है, चल रहा है अच्छे से। नहीं चल रहा? सही नहीं चल रहा है? नहीं, ओला ओला वाला कोई ओला मनी की वजह से या क्या, किसके रीज़न है? काम भी नहीं है, ओला मनी की प्रॉब्लम ही है। ओला मनी भी अच्छा पैसा नहीं दे रहा। बाकी तो भाई वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है अभी आजकल, क्योंकि हमें इतना नहीं पता ना। हाँ, हमारा तो डिस्काउंट काट के देता है। आप लोग डिस्काउंट कट जाता, कस्टमर डायरेक्टली उनको पे करे तो थोड़ा सा सही बन जाता इनका। बाकी क्या होती है, हमारी भी कभी मजबूरी होती है कि हम जैसे ऑफिस में रिम्बर्समेंट करना है, तो उस चक्कर में क्या होता है हमें ओला के थ्रू ही जाना पड़ता है। वैसे हम क्लेम कर नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते कि सर हम कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। उनको भी चाहिए होता है कि हमारा ऑडिट पर्पस के वजह से भी चाहिए होता है, बिल चाहिए होता है, तो वो मजबूरी हो जाती है हमारे लिए। हम भी इनकी मजबूरी समझते हैं, बट हम भी फंसे रहते उस चीज़ में। दिन भर में कितने देर चलाते हो भैया आप? चार से फिर रात को, रात तक पूरा। भाई लाइफ सबकी टफ होती है, हमको लगता है कि भाई बहुत इजी लाइफ है कि भाई ओला चला रहे बहुत पैसे कमा रहे, ये कर रहे हैं। भाई खुद चलाओ तब पता चलता है भाई कितनी टफ होती है। 12 से और 11 बजे से और 2-3 बजे का टाइम बीच का है ना। हाँ, इसमें तो इतनी हीट होती है कि एसी काम नहीं करती। हाँ, इसकी वजह से मैक्सिमम अपने घर पे ही बैठे रहते हैं, आराम से खा पी गए आराम करते हैं। ठंडी करती। हाँ, तो लोग भी परेशान होते हैं कि भाई आप एसी नहीं चला रहे, नहीं चला रहे, कंप्लेंट्स करते बेकार का, वो तो भी एक पंगा हो जाता है। बाकी तो भाई मेहनत हर चीज़ में है, कुछ भी करो। हाँ, शिद्दत से करोगे मेहनत से करोगे तो भाई कमाई हर जगह है। भैया वैसे लगे हुए हैं सारे। बाकी रूट जब होता सुबह का एग्जैक्ट शाम के टाइम पे बड़ा ट्रैफिक होता है इस रूट में भी। हाँ,
शाम के टाइम इतना ट्रैफिक होता है, आपकी हालत खराब हो जाएगी इससे क्रॉस करने में। सभी कंपनियां छुट्टी है ना उस टाइम। हाँ, सारी कंपनियां छुट्टी हो जाती है ना। हाँ, 5 बजे तो सभी की छुट्टी हो जाती है। हाँ, 10 बजे तक तो अच्छा काम रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर। मैक्सिमम बिल्डिंग्स और बनते जा रही है, डेवलपमेंट चल रहा है और बिल्डिंग्स बन रही है, कोई एंड नहीं होता है इसका। जितना डेवलपमेंट करो उतना बढ़ते ही जाता है। ये इधर खत्म नहीं होता, कभी तो खत्म होगा नहीं। बाकी इधर क्या ना, लैंड इधर ही खाली है, मानसर की साइड ही खाली है, गुड़गांव तो पूरा पैक है। जिनके पहले से लैंड है वही डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने पहले से खरीद रखे हैं। बाकी कुछ नया डेवलप हो रहा तो सब मानसर की तरफ हो रहा है। नोएडा, नोएडा की तरफ जाए, ग्रेटर नोएडा की साइड हो रहा है। बाकी बीच में कुछ जगह खाली है नहीं किसी की, ज़्यादा डेवलपमेंट कर नहीं सकता उधर। ये भी एक नया ब्रिज बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अगर हमें द्वारका जाना ना, हाँ, सीधा इसी से आएंगे। हम बड़ा सही कर दिया ना, पहले थोड़ा टाइम लगता था। हाँ, पहले पूरा टाइम लगता था उधर जाने के लिए। बाकी भैया मेट्रो खोल देना, मजा आ जाएगा। हाँ जी, मेट्रो खोल देना द्वारका के लिए। हाँ हाँ, वो भी पास हुआ था लास्ट टाइम फेज 4 में, बट वो कैंसिल हुआ किसी रीजन की वजह से, जो बोलो पॉलिटिकल रीजन हो, बजट रीजन हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से बंद हो गया था। तो अभी फिलहाल हम लोग फेज 5 में शायद आ जाए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं द्वारका से भी, बहुत लोग आते हैं द्वारका से। और वो खुल गया ना, वो बड़ा अच्छा बन जाएगा, वो कम्युनिकेशन अच्छा बन जाएगा, और विद इन हाफ एन आवर में आप लगभग पहुंच जाओगे उड्डा, ज़्यादा दूर है नहीं, नज़दीक ही है। हाँ, तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, हम सबको फ़ायदा होगा जो भी ऑफिस जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग उड्डा से जाते हैं द्वारका की तरफ, द्वारका से उड्डा की तरफ आते हैं। ट्रैफिक खत्म हो जाएगा पूरा भी। हाँ, तो उधर ही बहुत सारे क्या बोलते हैं लोग, उधर ही रहते हैं ना, क्योंकि उधर ही खाली है, अभी जगह उधर भी खाली है। अब नया आप कुछ भी लेने जाओ, फ्लैट वैट कुछ भी लेने जाओ, वहाँ तो बड़ा महंगा पड़ता है दिल्ली के अंदर। अरे हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पर, जब अंदर में लेने जाओ तो आप कितनी हालत ख़राब हो जाएगी, आप क्या सोचना पड़ता 10 बार के लिए कि ना ले। बाकी टोल गेट वाले तो कोई फ्री छोड़ते नहीं, कुछ भी कर लो। ये तो टोल गेट वाले भाई लेके बैठे रहते हैं हमेशा, ये एडवांस लेते हैं, उधार भी नहीं करते पैसे। उधार कर नहीं सकते वैसे, ये लोकल जो यहाँ पर से गांव वाले हैं उनके लिए कुछ, उनकी आईडी होती है ना लोकल की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको छोड़ देते हैं। कितने किलोमीटर के अंदर रहता है ये? इतना तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ, पास वाले जो 4-5 किलोमीटर के अंदर के जितने लोग है ना उनके फ्री रहता था। रोहतक के साइड में तो वहाँ कुछ है लगभग, कितना पहले 1 दिन का लेते थे, पूरा 1 महीना फ्री होता था, अब वो लेते हैं 5 दिन का, क्योंकि एक हमारे कलीग आते हैं वहाँ से। अच्छा। तो वो बता रहे थे अब 5 दिन का पूरा 1 महीने का पास बन जाता है, 5 दिन के पैसे भरो, 1 महीने पास आप घूमते रहो, कोई पैसे नहीं लगे आगे के। ये बड़ा अच्छा चीज़ है लोकल्स के लिए, हमेशा टोल गेट लगाओ तो वो बेचारा कितना भरेगा टोल। अब मैंने बनवाया पास इसका, 1155 रुपये का बनाया है, 40 ट्रिप होंगी टोटल। 40 ट्रिप लगभग महीने में आपके 2-3 लगभग कितना 30-40 चक्कर तो लग ही जाते होंगे। इधर नहीं लगते मानेसर, कम लगाते होगा फिर? नहीं वो आते नहीं ना मानेसर कितने। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मेन नियर बाय आ जाते होंगे आपके। हाँ, लेकिन मैंने तभी इसलिए करवा लिया क्योंकि इधर मैंने एक रूट ले रखा है मानेसर का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है, रोज एक तो मेरा होता ही होता है। हाँ, तो वो भी बेनिफिट ही है आपके लिए, जैसे 30-40 चक्कर खत्म होगा तब फिर आप रिन्यू करोगे। हाँ ये भी सही है, पर्सनल वालों का सस्ता है। पर्सनल क्या पता नहीं क्या ऐसा लगा रखते हैं, महंगा कर देते हैं। सबसे ज्यादा तो पैसा हम दे रहे हैं इनको, सबसे ज्यादा टैक्स आप लोग भर रहे हो, अभी टैक्स दे रहे हैं इधर। हाँ, और वैसे पर्सनली वैसे हम जो गाड़ी आलसी बनाते हैं ना। हाँ, टैक्स देते हैं। अच्छा अच्छा, और हरियाणा टैक्स अलग से कटा 3 महीने। हरियाणा टैक्स पता नहीं क्या काटते हैं लोग, जान ले लेंगे सबकी, हर साल कटता है हरियाणा टैक्स भी। अरे यहाँ तो भैया कुछ भी नहीं है, बैंगलोर के साइड जाओ, पता नहीं क्या करते हैं वो, इतना टैक्स काटते हैं, रोल टैक्स वगैरह है जो भी, तो हमारा सुरमी कट जाता है। हाँ हाँ हाँ, काट देते पूरा। हाँ, वो तो सब सबका काटते हैं, फिर टोल टैक्स ले रहे हैं। हाँ, सब कुछ काटने बाद फिर दोबारा टोल टैक्स लेते हैं। एक्चुअली क्या ना, इंडिया में इतना सारा टैक्स स्लैब बना रखे है ना, लोग वैसे पागल हो जाए, हर चीज में टैक्स ही भरो। देखो आप जैसे इनकम करते हो, जैसे हम लोग इनकम करते हैं उसमें टैक्स भरते हैं, फिर एक एक गुड्स लेते हो उसमें भी टैक्स भरते हैं, बोले भाई इतना टैक्स क्यों लेते हो भाई, इंसान जाए कहाँ, हर चीज़ में टैक्स भरना पड़ता है। अल्टीमेटली कौन भरता है? जो एंड यूज़र है।
बाकी कोई नहीं भरता उतना, बाकी जितने उनको तो टैक्स मिल ही रहा है वही भर रहे हैं सेम चीज़ को, जो एंड यूजर है हमेशा वही टैक्स ज़्यादा भरता है हमेशा। तो सबसे बड़ी हेडेक है थोड़ा सा, इसमें और सुधार कर सकते हैं हम लोग। क्या बोले जी? वो तो डिपेंड करता है ऊपर वाले जो पीएम बैठे हुए हैं वित्त मंत्री बैठे हुए हैं उन पे डिपेंड करता है। भाई आम आदमी कुछ होता नहीं है, कितना कुछ बोल लो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, कितना भी कुछ बोल लो उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो काफी बिल्डिंग बन गई है, बड़ी बड़ी है। हाँ लोग पैसा कमा रहे दबा के सब लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज में, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जैसे आप लोग जैसे लोग हैं जो रोज जॉब कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। ये देखिए भाई को हीरो को देखिए, अलग ही हीरो है ये। सबका अपना अपना पेन है भाई, जैसे नौकरी करते हैं हम लोग तो हमारा पेन क्या होता है कि भाई टाइम से सैलरी वाली आए तो ठीक है, वैसे हमारी कंपनी ऐसे कोई इशू होता नहीं है, लिमिटेड कंपनी है तो हमेशा टाइम पे ही आती है। बहुत सारी कंपनी इसमें बहुत लेट करते हैं तो उनका पेन होता है, बिकॉज कभी बहुत से चिक हो गई या सीनियर मैनेजमेंट चिक हो गई तो उसमें टेंशन होता है, काम को टाइम लाइन से ख़त्म कर रहे हैं आपको बंधे हुए हो आप, तो सबका अलग थोड़ा प्रेशर। जैसे आप कर रहे हो आप कुछ चलाओगे जब तक नहीं तब आप अर्निंग कर नहीं सकते, तो सब हाँ कंपलसरी है, बिना चलाए तो आप पैसे नहीं आने वाले। हाँ इसका रेंट है, घर के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, फैमिली का पूरा खर्चा है, पानी है, डैडी का खर्चा चलाओगे ना तो इसका खर्चा जरूर है। हाँ ये तो भाई मेंटेनेंस मानसी मानसी है, हाँ इंश्योरेंस घाटी की बातें है ना, वो तो पूरी साल नहीं चलाएंगे तो भरना ही, तभी भरना ही भरना है, ये भी दिक्कत है। ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता इंसान लॉकडाउन में। अरे लॉकडाउन में तो इतना इतनी हालत खराब हुई बता नहीं सकता हूँ, लगभग नहीं बहुत लोगों की हालत खराब हो गई, हमारी खुद हालत खराब थी, जॉब कर रहे थे फिर भी हमारी हालत खुद खराब थी, पता नहीं होता था, डर होता था कि भाई जॉब से निकाल दे ये कर दे वो कर दे, तो भी डर हमेशा लगा रहता था, फिर भी ओरली दुआ चल रहा सब कुछ सही, हाँ हो जाए ठीक हो जाएगा, फिर भी बहुत ठीक हो गया पहले से, अब तो पूरा ठीक ही है बस काम हाँ बंद सा लग रहा है।